दोस्तों Xiaomi की 12 सीरीज में फाइनली Xiaomi 12S Ultra हो चुका है लॉन्च, और ये दोस्तों फोन देखने के लिए मिलता है Xiaomi 11 Ultra का सक्सेसर, जो कि बहुत ही बेहतरीन फोन था 2020 का। और यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है 2022 में Xiaomi S12 Ultra, जो कि बेस्ट फोन होने वाला है अब तक का, और यहाँ पे एंड्रॉइड का फ्लैगशिप बोला जा रहा है इसको। दोस्तों आज की इस वीडियो में इसी फोन का फुल रिव्यू करने वाले, तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए चलिए सिंपली शुरू करता हूँ मैं आज की अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो में। आप सभी का दोस्त विहुल आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल विहुल पर। दोस्तों सबसे पहले शुरुआत करते हैं फोन के डिजाइन से, जहाँ पे आपको फोन का डिजाइन बहुत ही ज्यादा प्रीमियम देखने के मिलता है, साथ ही साथ थोड़ा सा बल्कि भी है, बट यहाँ पे आपको लेदर बैक की फिनिशिंग मिल जाती है Xiaomi की ब्रांडिंग के साथ देखने के लिए। और जो फोन का लुक है दोस्तों बहुत ही ज्यादा प्रीमियम मिल जाता है, और साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ इन हैंड फील बहुत ही अच्छा होता है, इजी टू कैरी होने के साथ साथ यहाँ पे आपको थोड़ा सा फोन बल्कि देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे वेट भी थोड़ी सी ज्यादा है फोन की। और यहाँ पे आपको जो फ्रंट में ग्लास मिलेगी थोड़ी सी कर्व देखने के लिए मिलती है, और वेट अप्रोक्सीमेट 228 ग्राम्स के आसपास का मिल जाता है। और दोस्तों यहाँ पे आपको जो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स की प्रोटेक्शन मिल जाती है फ्रंट में। दोस्तों पोर्ट्स एंड बटन्स की बात करें तो यहाँ पे आपको साइड फ्रेम मिलती है एल्युमिनियम की देखने के लिए, और साथ ही साथ यहाँ पे आपको डाउन साइड में मिल जाता है स्पीकर ग्रिल के साथ चार्जिंग स्लॉट, 3.5mm जैक नहीं है, माइक मिल जाता है, और साथ ही साथ सिम कार्ड ट्रे मिल जाता है जहाँ पे आप 2 नैनो सिम कार्ड का यूज कर सकते हैं। राइट साइड में आपको मिल जाता है वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन के साथ देखने के लिए पावर ऑन ऑफ बटन, जो कि बहुत ज्यादा क्लिकी है। टॉप साइड में देखने के लिए दोस्तों मिल जाता है आपको यहाँ पे सेकेंडरी माइक्रोफोन के साथ स्पीकर ग्रिल का सपोर्ट और आईआर ब्लास्टर का भी सपोर्ट मिल जाता है इस फोन के अंदर। दोस्तों फोन के डिस्प्ले की बात करूं तो यहाँ पे आपको डिस्प्ले बहुत ही बेहतरीन मिलती है, 6.73 इंचेस की 2K 10 bits E5 एमुले डिस्प्ले मिल जाती है, HDR10 के सपोर्ट के साथ 120Hz रिफ्रेश रेट, 240Hz टच सैम्पलिंग रेट के साथ यहाँ पे 1500 nits की पीक ब्राइटनेस। डिस्प्ले के चीन एजेस बेजल्स बहुत ही कम है, एवरेज साइज के देखने के मिल जाते हैं, और फ्लैट एजेस के साथ कर्वी डिस्प्ले और सेंटर पंच होल कैमरा मिल जाता है, जिसकी वजह से जो मल्टीमीडिया का एक्सपीरियंस है बहुत ही अच्छा देखने के लिए मिल जाता है दोस्तों, और स्टीरियो स्पीकर के सपोर्ट की वजह से मल्टीमीडिया का एक्सपीरियंस एनहांस होता हुआ दिखाई देगा। इन शॉर्ट मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है। फोन के सॉफ्टवेयर की बात करें तो यहाँ पे आपको आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 12 के सपोर्ट के साथ MIUI 13 का सपोर्ट मिल जाता है, जो कि लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच अपडेट के साथ आता है, और यहाँ पे चाइनीज वेरियंट होने की वजह से कुछ कस्टमाइजेशन के एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाते हैं, और कुछ ब्लॉटवेयर्स मिलते हैं जिनको अनइंस्टॉल करने का फीचर मिल जाता है, जहाँ पे आप फोन को फुल्ली कस्टमाइज कर सकते हैं अपने स्क्रीन को। और साथ ही साथ दोस्तों बात करता हूँ मैं फोन के परफॉर्मेंस की, तो दोस्तों यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस के लिए मिल जाता है कॉलकॉम की तरफ से स्नैपड्रैगन 8+Gen 1, जो कि 4nm बेस्ड बहुत ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है, और LPDDR5 रैम के साथ UFS 3.1 स्टोरेज टाइप मिल जाती है, जहाँ पे रीड एंड राइट स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट मिलेगी। और दोस्तों यहाँ पे आपको 2 एक्स्ट्रा चिपसेट मिल जाती है, जो कि एक पहली तो P1 है जो कि बहुत ज्यादा बैटरी फास्ट चार्ज करेगी, और यहाँ पे जो G1 मिलती है चिपसेट वो है ना बैटरी को बहुत ही अच्छी तरह से मैनेज करी। बैटरी की भी बात करूँ दोस्तों इसी के साथ, तो यहाँ पे आपको बैटरी मिल जाती है 4860mAh की बैटरी के साथ 67W की वायर चार्जिंग का सपोर्ट, जो कि आपके बैटरी को 45 मिनट में 0-100% फुली चार्ज कर देगी, बहुत अच्छी बैकअप परफॉर्मेंस भी प्रोवाइड करेगी। 50W की वायरलेस चार्जिंग के सपोर्ट के साथ 10W की रिवर्स वायरलेस चार्जिंग के सपोर्ट भी देखने के लिए मिल जाती है इस फोन के अंदर। और साथ ही साथ दोस्तों सेंसर एंड कनेक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पे आपको हैप्टिक बहुत ही अच्छी देखने के लिए मिलेगी, साथ ही साथ यहाँ पे आपको सारी क्वाइट नेसेसरी सेंसर कनेक्टिविटी के फीचर मिल जाते हैं। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट फेस लॉक बहुत ही अच्छे से फास्ट एक्यूरेट वर्क करते हैं। कनेक्टिविटी के मामले में यहाँ पे आपको Wi-Fi 6E के सपोर्ट के साथ 5G का सपोर्ट, और यहाँ पे आपको ब्लूटूथ 5.2 NFC डुअल 4G वोल्टी वाईफाई कॉलिंग का सपोर्ट मिल जाता है। फोन में IP68 की सर्टिफिकेशन मिल जाती है, मतलब दोस्तों पानी के अंदर आपके फोन को जरा भी दिक्कत नहीं आएगी। गेमिंग भी आपको नेक्स्ट लेवल की मिल जाती है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे आपको कॉलकॉम का जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर मिल जाता है, जो कि हाई सेटिंग्स पे आपको गेमिंग करने की फीचर प्रोवाइड करता है, और यहाँ पे आपको 90fps पे गेमिंग करने का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है इस फोन के अंदर। गेमिंग टर्बो में यहाँ पे आपको वॉइस चेंजर जैसे फीचर मिल जाते हैं, और फोन का जो थर्मल गेमिंग करते टाइम बहुत ही ज्यादा कंट्रोल रहता है, और गेमिंग बहुत ही अच्छी हो जाती है। दोस्तों फोन के कैमरा की बात करो तो यहाँ पे आपको जो फोन का कैमरा मिलता है लाइका की पार्टनरशिप के साथ देखने के लिए, और यहाँ पे आपको ना जो प्राइमरी सेंसर मिलता है वो सोनी ने प्रोवाइड किया है 50MP का OIS के साथ, 48MP का यहाँ पे आपको अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, 48MP का ही आपको पेरिस्कोप लेंस देखने के लिए मिलता है। दोस्तों जो मेन सेंसर मिलता है वो आपको 1 इंच का, जो कि सबसे बड़ा सेंसर बन जाता है अब तक के फोन ब्रांड्स के अंदर, और साथ ही साथ यहाँ पे आपको ना बहुत ही अच्छी इमेज क्लैरिटी प्रोवाइड करता है। 232MP का सेल्फी कैमरा मिल जाता है, जो कि सोनी ने प्रोवाइड किया, बहुत अच्छी इमेज क्लैरिटी प्रोवाइड करता है। 120x जूम सपोर्ट के साथ कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाते हैं, जो कि लाइका ने प्रोवाइड किया, लाइका वाइब्रेंट के साथ लाइका ऑथेंटिक, जो कि ना आपके फोटोज को सोशल मीडिया वर्दी बनाते हैं। थोड़ा सा ओवर सैचुरेटेड करने के बाद फोन को यहाँ पे आपकी इमेज को ना थोड़ा सा ओवर ट्यूनिंग किया जाता है, जिसकी वजह से आपकी इमेजेस
सोशल मीडिया वर्दी बन जाती है। इसी फ़ोन के कुछ क्लिक किए हुए इमेज सैंपल्स को मैंने आप सभी के सामने स्क्रीन पे शेयर किया, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है इमेज सैंपल्स। साथ ही साथ बोलूँ दोस्तों, यहाँ पे आपको जो इमेज सैंपल्स के अंदर ट्यूनिंग मिलेगी बहुत ही अच्छी फास्ट मिल जाती है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट में जरूर से बताइएगा। दोस्तों 4K 60 FPS और 8K 24 FPS से यहाँ पे आपको वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलता है रियर कैमरा से, और फ्रंट कैमरा से यहाँ पे आपको 1080 30 FPS पे ही रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाता है। दोस्तों इस फोन में मुझे कैमरा ओ माई गॉड लगा है, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों इस फोन का जो 1 इंच का जो सेंसर है बहुत ही अच्छी इमेज क्लियरिटी प्रोवाइड करता है आपको। पर्सनली ये फोन मुझे कैमरा के मामले में S22 Ultra को टक्कर देने जैसा लगता है, आईफोन को तो आराम से बीट कर देगा। दोस्तों अगर आपको फोन का डिजाइन, परफॉर्मेंस और कैमरा अच्छा लगा है तो डेफिनेटली आपको फोन अच्छा लगा है। अगर आपको फोन अच्छा लगा है तो डेफिनेटली वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे मोर अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियोस मेरे चैनल पे मैं डालता रहता हूँ। सो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट अमेजिंग इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक दोस्तों गुड बाय, टिल देन पीस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।